नमस्कार, जय जय सियाराम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में आपका पुनः स्वागत है। आज हम हैं उज्जैन में। लगभग बेंगलोर से उज्जैन की यात्रा कुछ 35 घंटे की रही और 35 घंटे में हम उज्जैन पहुंच गए हैं। यहाँ लगभग 2 दिन का प्रवास रहेगा, 2 दिन यहाँ रुकना होगा। इसके बाद आगे की यात्रा होगी जो आपको धीरे धीरे हमारी इस यात्रा के क्रम में पता चलने वाली है कि उज्जैन के बाद हम कहाँ जाने वाले हैं। तो आज हम जो है उज्जैन का संपूर्ण प्रयास करेंगे कि संपूर्ण भ्रमण कर लें, जो संभव है नहीं। पर कुछ मंदिरों में तो अवश्य जाएंगे, जैसे सिद्धवट है, महाकालेश्वर मंदिर है, हर सिद्धि देवी माता का मंदिर है। ऐसे ही अन्यान्य जो मंदिर हैं जो बहुत प्राचीन समय से हैं, प्रयास करेंगे कि आज ही हम आपको जो है अंकपाद तीर्थ भी दिखाएं। परंतु अगर वह संभव आज नहीं हो पाया तो आगे आने वाले वीडियो में जो है आपको अवश्य दर्शन हो जाएंगे। आज है 25 तारीख, हम चले थे 23 तारीख को दोपहर में। 24 तारीख अर्थात कल रात को हम यहाँ पहुँच गए थे। सोच रहे थे कि ब्लॉग आरंभ कर दें, परंतु थकान ज़्यादा थी और फ्रेश भी नहीं थे, तो इसलिए हमने जो है कल से ब्लॉग आरंभ नहीं किया। आज से हम आरंभ कर रहे हैं 25 तारीख से। हमारे मित्र हैं दीपक तिवारी जी, उनके यहाँ कुछ संबंधी रहते हैं, तो बस उन्हीं संबंधियों के यहाँ जो है रुकना हुआ है। हमारी इच्छा तो थी कि किसी धर्मशाला इत्यादि का आश्रय लिया जाए, क्योंकि मित्र तो बहुत सारे रहते हैं, परंतु यही हो जाता है ना कि अनावश्यक उनको जो है तकलीफ़ हो जाएगी। और वैसे भी सबके काम का समय है, हम काम नहीं करते हैं तो क्या हुआ। सब लोग तो कार्य करते ही हैं, सबका कार्य है, तो किसी को काम के समय अनावश्यक परेशान करना अच्छी बात भी नहीं है। परंतु अभी यहाँ बात ऐसी हो गई थी कि अगर आओगे नहीं तो हम नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए आना पड़ा। अब देखते हैं, शायद 2 दिन का जो ठहराव है वो यहीं रहेगा। अभी यहाँ हमारा बाल भोग हुआ है, अब जो है यहाँ से हम अपने एक मित्र के यहाँ जाएंगे और वहाँ से एक गाड़ी लेंगे और फिर इसके बाद जो है उज्जैन की यात्रा करेंगे। हम आ चुके हैं इंदिरा नगर, हमारे मित्र रहते हैं यहाँ, श्री सुनील भाई साहब जी, तो बस उन्हीं के पास आए हैं और उनके द्वारा ही जो है वाहन की सुविधा उपलब्ध हुई है और यहाँ से जो है आगे की यात्रा होगी। सबसे पहले हम सुनील भाई साहब के दर्शन करवाते हैं आपको। ये हैं सुनील नागर जी, यहाँ बहुत बढ़िया इनका जो है दिव्य कार्यभार अनुष्ठान इत्यादि का कार्यक्रम है। हम आपको अभी मंदिर दिखाते हैं, यहाँ ही इनका अनुष्ठान इत्यादि चलता है और भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी धर्मपत्नी जो हैं श्रीमती विनीता भाभी जी, वो ज्योतिष के माध्यम से मतलब बहुत आगे तक शोध कार्य कर चुकी हैं। मुझे लगता है MPhil उनका PhD हो कंप्लीट गया है, ना, कंप्लीट PhD भी उनका, हो गया। PhD भी उनका जो है राज्यपाल अवार्ड ज्योतिष है, के गोल्ड माध्यम मेडलिस्ट से है। कंप्लीट हो चुका है। तो बड़ा अच्छा ये लगता है कि दोनों पति पत्नी जो है धर्म कार्य के लिए सेवारत रहते हैं। तो आइए जो है अब थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें जहाँ ये सेवा करते हैं, और इसके बाद जो है हम आगे की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। ये है गाड़ी जिसके माध्यम से आज भ्रमण चालू रहेगा उज्जैन का। वैसे रखना तो कल का भी है, परंतु देखते हैं कल की व्यवस्था कुछ अलग रहेगी। और यहाँ से मंदिर का प्रवेश द्वार है ये, जहाँ हमारे सुनील भाई साहब जी जो है सेवा करते हैं। बड़ा ही सुंदर है, मंदिर में प्रवेश करना है तो यहाँ जो है छोटा सा एक मंडप है जिसमें भक्तगण जो हैं खड़े होकर के प्रार्थना इत्यादि करें अपना। और इसके बाद यहाँ भगवान भोलेनाथ हैं। ये हैं इंद्रेश्वर महादेव जी जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। हर हर महादेव, महादेव 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 महादेव। तो भाई साहब के माध्यम से जो है बहुत अच्छे अच्छे अनुष्ठान संपादित किए जाते हैं, तो जो भी उज्जैन आना चाहता है और धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करवाना चाहता है, चाहे वो इनके मंदिर में हो अथवा सिद्धवट आश्रम में हो या किसी
मंगलनाथ मंदिर में हो, कहीं भी जो है ये अनुष्ठान अपने पहचान के माध्यम से, इनके ये यहाँ लगभग 20 वर्ष हो गए यहाँ रहते हैं तो इनकी पहचान भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपको मंगलनाथ में जाना है कि वहाँ हमको भात पूजन करवाना है, कोई संपर्क नहीं है हमारा, तो जो भी हमें जानते पहचानते हैं वो इनके माध्यम से, स्क्रीन में आपको इनका नंबर दिख रहा है, तो वहाँ से जाकर के आप इनको संपर्क कर सकते हैं। बस अनावश्यक परेशान ना करें, प्रयास करें कि रात को 8 बजे से 10 बजे के बीच में ही इनको फ़ोन किया जाए, क्योंकि दिन भर में ये पूजा पाठ अनुष्ठान में व्यस्त रहते हैं, तो इस बीच में आप फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करने के बाद जो है इनसे अपनी सारी बातें, अपनी सारी समस्याएं बताएं कि हम आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, यहाँ पूजन करना चाहते हैं, तो फिर सुनील भाई साहब के माध्यम से जो है सारा व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए अब आगे की यात्रा देखते हैं। लगभग मुख्य द्वार से एक 500 मीटर की दूरी पर हैं। थोड़ा सा व्यवस्था के अनुरूप अलग से पगडंडी दी गई है, यहाँ से ही सबको जो है पैदल आगे महाकाल के मंदिर तक जो है जाना है।